सो कैसे हो रोहित पटेल बैक एंड डोर। तो पिछले वीडियो के यहाँ पर मेरी पिछली वीडियो थी जो विकास इकोटेक के ऊपर थी यहाँ पर, उसके बाद कुछ अपडेट्स आए हैं इसमें स्पेशली, एंड उसके फाइनेंशियल्स भी आपको बताने हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली कहा कि यस यू शुड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में हमें और बताओ कि ये एक्चुअली में अच्छा खासा है या नहीं है। ओके, तो पिछले हमने वीडियो में देखा था बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी थी, यहाँ पर और एक आया है इनके तरफ से, एंड द मेन थिंग इज कंपनी हैज पेड अनदर ट्रेंच ऑफ रुपीज़ 120 मिलियन रुपीज़ टू रिड्यूस इट्स बैंक डेट इन द फेज टू ऑफ बैंक रिडक्शन प्रोग्राम मेकिंग इट 220 मिलियन डेट रिपेड ऑफ द रुपीज़ 350 मिलियन बैंक डेट रिपेमेंट एविजन फॉर द करंट फिस्कल ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर 120 मिलियन बैंक डेट जो है अभी पे कर दिया है, और अब पढ़ेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस फेज द बैंक डेट शल गेट रिड्यूस बाय अप्रॉक्स 40% फ्रॉम द पीक एक्सपोजर पेइंग द वे टुवर्ड्स बिकमिंग अ जीरो डेट कंपनी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2022-2023। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अभी पहले हमने देखा था लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में, जिसमें और डेप रिडक्शन की बात की थी, यहाँ पर और बड़ी न्यूज़ है 120 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर डेप्ट रिड्यूस किया गया है, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 40% जो है अभी जो करंटली इसमें से डेप रिड्यूस किया गया है, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका जो गोल है जीरो डेप कंपनी बनने का वो एक कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर ये जीरो डेप्ट कंपनी बन जाती है एक करंट जो इसका वैल्यूएशन चालू है, देन वी गाइस कैन इवन इमेजिन कि और कितना स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज कॉल्ड टू वैल्यूएशन। तो अभी करंट जो वैल्यूएशन है ऑब्वियसली जिसके ऊपर डेप रिड्यूस किया जाएगा, तो अगर टोटल डेप रिड्यूस होगा तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली शेयर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पर अगर जो हमने कहा था एक पेनी स्टॉक टू बाय नाउ जिसमें हमने डिटेल में बात की थी बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ, तो उसमें ये स्टॉक बोला था, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पेनी स्टॉक रखना है आपके पोर्टफोलियो में, देन आई थिंक विकास इकोटेक इज वन यू शुड कंसिडर। ओके, यहाँ पर हमने काफ़ी और बात की है, यहाँ पर रेवेन्यू भी दिखाया आपको कि रेवेन्यू यहाँ पर कंसिस्टेंटली दो क्वार्टर से बड़ा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पर ये कंपनी वापस प्रॉफिटेबल हुई है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंपनी में वापस यहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्डर मिली है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया होगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके देखो। यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर है, हमने कहा है कि काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें आप कंसिडर करो बिफोर गोइंग फॉर इट। ओके, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आ चुका होगा। इट्स अ होस्ट रोहित पटेल।